हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ विनका प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। विनका प्लांट की केयर कैसे करें और इनको और ज़्यादा घना बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या इन पे हम फर्टिलाइजर दे सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर से कलर हैं इनके, जो पर्पल कलर है बहुत प्यारा सा कलर है और काफ़ी ये लंबे हो रहे हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इनकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दूँ, वैसे रेनी सीजन में मैं इनको बचा पाऊँ कि ना बचा पाऊँ। इनमें देखिए सीड भी काफ़ी सारे बन रहे हैं, सीड से इजिली ग्रो हो जाता है और कुछ लोग बोलते हैं। तो देखिए अगर आप इनके सीड नहीं हटाएंगे तो इनकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो अगर आपको सीड कलेक्ट नहीं करने हैं तो आप इनको फिर मतलब सीड है उनको हटाते जाइए तो फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। तो मुझे सीड नहीं ग्रो करने हैं क्योंकि बारिश में फिर कौन इतना यानी झंझट पालेगा, सेडी प्लेस है नहीं इनको बार बार उठा उठा कर रखने के लिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे फंगस जैसा दिख रहा था, तो ये देखिए पत्तियां थोड़ी सी इसकी ख़राब सी दिख रही हैं, तो मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा प्रून कर दिया है। और ज़्यादा बहुत प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि बारिश तक इनको अच्छे से खिलने देंगे उधर। ये वैसे बारिश से अगर हम बचा लेते हैं तो ये सालों साल मेरे गार्डन में, पहले ये दो दो तीन तीन साल ये रह जाते थे, लेकिन अब मैं उतना ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में अडेनियम काफ़ी सारे हो गए हैं। तो फिर इनको उठा करके रखना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है और लगभग 5-6 गमलों में ही लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से कलर हैं। तो ये देखिए अगर आप प्लांट को घना बनाना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा इस तरह से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग के बाद आप थोड़ी थोड़ी इसमें कंपोस्ट दे दीजिए, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है और ये कंपोस्ट हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे। ये थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट दे देंगे इसमें तो हमारा जो प्लांट है ना बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा। थोड़ा फंगीसाइड का स्प्रे भी बीच बीच में कर दिया करिए इसमें, तो जल्दी इसमें फंगस वगैरह नहीं लगता है और प्लांट हमारा हेल्दी हो जाता है। और सीड आपको नहीं कलेक्ट करने हैं ना तो सीड पॉट आप हटा सकते हैं, अगर सीड आपको रखने हैं तो आप सीड को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें सीड बन जाएंगे और फिर आप उनसे नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे सीड पॉट बने हुए हैं। तो केयर की बात अगर हम करते हैं तो केयर हमको इसकी इस तरह से करनी है कि बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है, पानी आपको इसको तभी देना है जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए। मिट्टी ड्राई हो जाएगी तब आप पानी देंगे तो प्लांट को कभी भी कोई भी मतलब नुकसान नहीं करेगा। अभी तो समर सीजन चल रहा है तो मिट्टी ऑलरेडी इतनी मतलब एक ही दिन में एक ही टाइम में मतलब सुबह पानी हम देते ना तो शाम तक में बिल्कुल सूख जाता है, तो दोबारा हमको वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब बाकी का मौसम होता है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है, नहीं तो नीचे से भी रोटिंग इसमें हो जाती है और इसमें स्टेम रोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टेम से ये रोट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे हमारे जो प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी इसकी जो पिंचिंग है मतलब थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग है वो कर रही हूँ ताकि प्लांट हमारा और ज़्यादा घना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी भी ट्रिमिंग कर सकते थे, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया मुझे क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्रांच चाहिए थी और प्लांट ताकि हेल्दी और सुंदर दिखे, जितनी ज़्यादा ब्रांच मतलब नीचे से इसमें निकल करके आएंगे उतना ही हमारा प्लांट घना होगा। तो प्लांट को घना बनाने के लिए ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह से इसकी प्रूनिंग आप कर देंगे ना तो आपका प्लांट बहुत ही बूसी हो जाता है। 2 साल पहले की आप मेरे वीडियो देखेंगे, मेरे गार्डन में कम से कम 50 से 60 विनका के प्लांट मैंने लगाए थे और सारे सीड से ग्रो हुए। तो सीड से कुछ लोग ग्रो करते हैं, बोलते हैं कि मतलब हाइब्रिड सीड से हमारा देसी प्लांट निकल गया, तो मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। मैंने जब भी इनको अपने प्लांट के सीड से ग्रो किया है तो सेम टू सेम फ्लावर वही निकल करके आया है आज तक जब भी ग्रो किया है। ये तो मैं खैर सैपलिंग और कुछ प्लांट लेकर के आई थी नर्सरी से, मैंने लगभग 1 साल से अपने घर में विनका नहीं लगाए थे, तो इस साल मैं अभी लेकर के आई हूँ समर में ही इनको, फरवरी मार्च के टाइम में लेकर के आई थी। ये 2 सैपलिंग भी लाई थी 10-10 रुपीज की, तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं और छोटे पॉट में लगे हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हेल्दी हुए, लेकिन ठीक है फिर भी अच्छे चल रहे हैं। अब इनकी आप चाहे तो कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन जो कटिंग लगती है ना थोड़ी सी हार्ड ये वाली लग जाएंगी शायद मेरे ख्याल से, तो कटिंग भी इसकी लग जाती है। सैंड में आप लगा दीजिए, सैंड और कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं, मैं तो सोच रही हूँ सैंड में लगा दूँ 2-4 कटिंग अगर लग जाती है तो कटिंग भी इजली इनकी लग जाती है अगर बहुत ज़्यादा कुछ गर्मी नहीं हुई या फिर बारिश ना हो गई, बारिश में ख़राब हो जाते हैं ये प्लांट। तो फर्टिलाइजर मैंने बता दिया आपको, थोड़ी थोड़ी इसकी गुड़ाई करके और इसको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर दे दीजिए। वीड्स वगैरह प्लांट में अगर है आपके तो उसको हटा दीजिए, आप इसमें बोन मिल भी थोड़ी सी डाल सकते हैं या तो 2-4 दाने आप जो प्रोम फर्टिलाइजर होता है या ऑर्गेनिक DAP होती है उसको भी आप दे सकते हैं, उससे भी जो आपका प्लांट का ग्रोथ है ना वो अच्छा निकल करके आएगा। तो थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटानी पड़ेगी तभी मैं
फर्टिलाइजर दे पाऊंगी क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है बिल्कुल भी गमले में। और ऊपर से हो सकता है बाद में मैं कंपोस्ट डालने के बाद मिट्टी ऊपर से कवर कर दूं ताकि इसमें मिट्टी मतलब पानी जब भी डालूं, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर पाइप से ही वाटरिंग कर देती हूं। और मैं पाइप से इनको नहलाकर पानी दे देती हूं, ऐसा कुछ इनमें दिक्कत नहीं होती है। बस कभी कभी वो फंगस हो जाता है, जब अटैक होना होता है ना तो हो जाता है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो थोड़े से प्रिकॉशंस हैं ज़रूरी, बस बारिश का पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सा होता है। पता नहीं उसमें क्या मतलब ऐसा नुकसान करने वाला होता है, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि बारिश के पानी की वजह से जब भी ये प्लांट अगर बारिश में पड़ जाते हैं ना तो पूरे ख़त्म हो जाते हैं एकदम से, मतलब डेड हो जाते हैं, गल जाते हैं वहाँ से, जैसे एसिड पड़ गया हो। तो ये भी लंबी ब्रांच जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे से कट कर देती हूँ, और यहाँ से भी प्लांट को शेप देना, थोड़ा बॉल शेप में बनाना है मुझे, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और तो ये थोड़े ही दिन में लगभग एक हफ्ते में इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हमारा प्लांट शेप में आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। सनलाइट की बात करें अगर तो आप इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखिए एकदम, अभी जो टेम्परेचर है जैसे कि तब ये इतनी धूप में भी अच्छे से चल जाते हैं। मैंने यहीं पर रखा है जहाँ पर आप मेरे देखिए सारे अडेनियम रखे हैं, यहीं पर ये प्लांट भी रहते हैं, ऐसा कुछ मैंने इनको कवर करके या कहीं पर ऐसे नहीं रखा हुआ है, बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरह से प्रूनिंग कर दीजिए, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ऑर्गेनिक डीएपी अगर आपके पास है, केमिकल भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, 5 से 6 दाने उससे ज़्यादा नहीं। तो या तो सिंगल सुपर फास्फेट अगर आपके पास ग्रेन्यूल में है तो आप उसको दे सकते हैं, या तो थोड़ा बहुत पाउडर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, उससे भी आपके प्लांट की रिजल्ट जो ग्रोथ है वो अच्छे निकल करके आएगी। तो मेरे पास 4-5 गमले हैं इसी तरह से, तो मैं सब में आज यही काम करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बस केयर बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा फंगस से ही प्लांट को बचाना पड़ता है, तो फंगिसाइड का थोड़ा सा यूज करते रहिए बीच बीच में। और सूखे पत्ते वगैरह इस तरह से हों, इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है कि इसके पत्ते ड्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा इसमें हुआ था ऐसा कुछ। तो बाकी प्लांट हेल्दी है, चल रहा है अच्छे से, अब देखते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी निकल करके आती है तो आपके साथ उसकी अपडेट भी देती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। ये देखिए इस तरह से सीड पॉड इसके बनते हैं और इसी में सीड भी बनते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप सीड को कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़े मतलब छोड़ सकते हैं तो उसमें सीड बन जाएंगे। अब इसकी भी देखिए हम थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देंगे तो ये भी थोड़ा बूसी लुक में आएगा प्लांट हमारा, जैसे इधर से ये बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो यहाँ से और ब्रांच निकल करके आएंगे। तो इस तरह से केयर आप कर सकते हैं। इसको मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ, बहुत छोटे छोटे से में लगे हैं, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है, ये थोड़ा सा कम ग्रो हो रहा है। तो होता है कुछ प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट कम ग्रो करते हैं, बाकी प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। और अगर आपको और ज़्यादा घना बनाना है तो आप दोबारा जब भी इसमें नई नई ब्रांच मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांच हों तो आप पिंच कर दीजिए, और अगर आपको फूल लेने हैं आप बारिश तक मतलब इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप बढ़ने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी प्रूनिंग पिंचिंग मत कीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।